हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग कैसे हैं आप सेल्फ सी पवन साडा आई वेलकम यू टू द पोर्टल ऑफ अन एकेडमी लेट्स क्रैक सीए एग्जाम्स फ्रेंड्स हम लोग सीए फाउंडेशन का स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एंड uh, हम लोग देख रहे हैं कि हाउ कैन वी हैव फन विथ फॉर्मूले तो टिल रिसेंटली इन द प्रीवियस सेशंस वी हैव हैड फन विद फॉर्मूले ऑफ अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने बहुत सारा अरिथमेटिक मीन में एक्सपेरिमेंटेशन किया और वो फॉर्मुले में क्या क्या अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं सब देखा फॉर्मूले का बेस समझा और प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू वो फॉर्मूले को हम लोगों ने अप्लाई भी करके चेक किया टेस्ट किया तो फ्रेंड्स हम लोग आज फर्दर कंटिन्यू करेंगे विथ सम मोर फॉर्मूले क्योंकि स्टेटिस्टिक्स एज यू मे थिंक इज ऑल अबाउट फॉर्मुले बट हर एक फार्मूले के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है कुछ ना कुछ रीजन होता है हम लोग वो पढ़ रहे हैं साथ में सो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस पोर्टल

अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आइए आप भी यहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए अनअकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं स्पेशल क्लासेस भी लेता हूँ और उसके अलावा आप यदि अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको वहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अनअकेडमी सब्सक्रिप्शन के आपको डेली लाइव क्लासेस का आपको बेनिफिट मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे एज इन वहां पर आप जो भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि आप अभी सी ए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो तो सी ए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट ये पूरा कोर्स है या गोल है जिसको आप अनडेमी में जिसके रिस्पेक्ट में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो यदि आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको प्रॉपर आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको कोर्सेस अवेलेबल रहेंगे जहां पर आप लाइव एजुकेटर्स के साथ में पढ़ सकते हो इंटरेक्ट कर सकते हो डाउट्स पूछ सकते हो क्लास में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर वही के वही दे के अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो

ऑफलाइन अपने इंस्ट्रूमेंट में डाउनलोड करके भी देख सकते हैं तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं अनएकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एक स्पेशल डिस्काउंट का ऑफर भी मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल डिस्काउंट का भी एक प्रपोजिशन uh, है आपके लिए तो उसको मत भूलना आपको सबसे पहले तो अनएकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा अभी तक यदि आपने नहीं किया है उसमें आप एजुकेटर्स में मेरा नाम सर्च करके मुझे भी फॉलो कीजिए मेरी क्लासेस होती रहती है वो भी लीजिए एंड आप सी ए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट गोल को सिलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है फिर आपको सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के गोल को सिलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको जाना है right? और उसके बाद में आपको जो सब्सक्रिप्शन है यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन इन रेंज फ्रॉम वन मंथ टू ट्वेंटी फोर मंथ आप वन मंथ से लेकर ट्वेंटी फोर मंथ के बीच तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो वन मंथ का सब्सक्रिप्शन थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि पर मंथ कॉस्ट उसमें थ्री थाउजेंड वन फिफ्टी रुपीज आ जाती है

तो आपको बहुत ही कम प्राइस में इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट है वो उतनी ज्यादा नहीं है बहुत ही कम प्राइस में आपको थर्टीन हंड्रेडीन रुपीज में मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है 788 रुपीस में आपको मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है सो नथिंग लाइक इट तो आप इसका पूरा बेनिफिट लीजिए आप सेवन uh, हंड्रेड एटी एट रुपीज पर मंथ आपको इतना ही कॉस्ट आएगा इतने इससे ज्यादा तो शायद आप पेट्रोल पे खर्चा कर कर देते होंगे तो अभी लॉकडाउन में होपफुली नहीं कर रहे हो लेकिन अदरवाइज

एनरोल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो उससे आपको पूरे अक्रॉस प्लेटफॉर्म जो भी कोर्सेज होते हैं सी ए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के जो भी लाइव कोर्सेज है उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा अलग अलग कोर्स का अलग अलग आपको चार्ज नहीं लगेगा डोंट वरी एंड सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ एंड ट्वेंटी फोर मंथ वाले सब्सक्रिप्शन के लिए आपको डिस्काउंट भी मिलेगा रेदर डिस्काउंट तो ही आपको ई एम आई का ऑप्शन भी मिलेगा ओके यू कैन पे दिस बाईम आई मोड ऑल्सो जिसका फर्दर कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं एप्लीकेबल है So, आप तो सी ए स्टूडेंट हो आप कॉस्ट बेनिफिट अच्छे से समझते हो तो आपको अगर थोड़े से ज्यादा है फॉर्मुले एंड फन विद फॉर्मूले वी आर एंड टिल नाउ है लॉट ऑफ फन विदुले ऑफ अरिथमेटिक मीन स्पेशली पिछले सेशन में हम लोगों ने जो अरिथमेटिक मीन है उसमें कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा और उसके साथ में बहुत मजा किया और किस तरीके से कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इन्फ्लुएंस होता है नंबर ऑफ आइटम्स कौन कौन सीरीज सीरीज में है, कौन से सीरीज में ज्यादा है कम है क्या रेशियो रहता है रेगुलर अरिथमेटिक मीन और कंबाइंड का तो ये सब हम लोगों ने देखा राइट right? अब हम लोग अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड हम लोग बात करेंगे दूसरे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की देखिए ऐसा नहीं है कि अरिथमेटिक मीन में Uh, इतना ही था जितना हमने अभी तक देखा बहुत कुछ है दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एवरेज बट एट इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस बेटर देन अरिथमेटिक मीन इज मीडियन मीडियन जो है वो अरिथमेटिक मीन से ज्यादा यूजफुल हो जाता है इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और फिर मीडियन का कैलकुलेशन कैसे करना है ये भी समझाऊंगा सो टूडे वी विल बी स्टडिंग ऑल अबाउट मीडियन फ्रेंड्स तो ये कल का हमारा कंबाइंड एवरेज वाला शीट था अब आगे बढ़ते हैं मीडियम क्या होता है क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये हम लोग देखते हैं ऑलराइट राइट right? अब मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर पाथवे पर हो ओके okay? आप एक पर्टिकुलर पाथवे पर हो ये पाथवे पर आपको अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कवर करना है ओके okay? आप अलग अलग पॉइंट्स आपको कवर करना है ओके फॉर एग्जांपल एग्जांपल ये अलग अलग पॉइंट्स हैं ओके okay? जहां पर आपको जाना है एग्जाम्पल है आप ध्यान से समझिए का फॉर्मूले का इम्पोर्टेंस भी समझ में आ जाएगा आपको और आपको जो मैं समझाना चाहता हूं मीडियम का इंपॉर्टेंस वो भी समझ में आ जाएगा अब ये एक ऐसा सिचुएशन है अज्यूम दिस इज अ वीडियो गेम और अ पजल दैट यू हैव टू सॉल्व ये सात अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसमें से एक पॉइंट पे आप अपना स्टेशन रख सकते हो मतलब यू विल रिमेन स्टेशन एट दैट पॉइंट एक गेम खेल रहे हैं मान लो हम ओके okay, ये सात में से कोई एक पॉइंट पे आप अपने आप को स्टेशन रख सकते हो ये पॉइंट्स का नाम मैं रख देता हूँ right. ये सात पॉइंट्स में से ये सात पॉइंट इसी सीक्वेंस में है ओके okay? इनके बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल पॉइंट थ्री जो है वो पॉइंट टू के बहुत ज्यादा नजदीक होगा से के नजदीक होगा, वो डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है बट योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्लेस योर सेल्फ एट स्टेशन आप अपने आप को इसमें से एक ऐसे स्टेशन पर प्लेस करो जहां से आप हर स्टेशन पर जाओगे या हर पॉइंट पे जाओगे तो आपको टोटल डिस्टेंस जो है वो कम से कम लगे तो यदि ऐसा है तो आप कहां पर अपने को प्लेस करोगे अब मान लो हम लोग ये पॉइंट्स का हम लोग कुछ वैल्यू भी डाल देते हैं ओके okay? हम लोग कुछ वैल्यू भी फिट कर देते हैं से ये जीरो किलोमीटर वाला स्टोन है और से ये हंड्रेड किलोमीटर वाला स्टोन है ओके okay? मान लीजिए आपका ये जो पहला पॉइंट है ये एट किलोमीटर पे है ओके okay? किलोमीटर स्टोन से मान लो और यहाँ पर एक एक पॉइंट है ऑन अ सिंगल पाथवे हमारा डेटा जो है वो स्ट्रेट लाइन में अरेंज है जिंग दिस इन एंड असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड एंड आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस न्यू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू यू आप ध्यान से समझे तो ये एट किलोमीटर वाला माइल स्टोन है उसके बाद में ये माइल स्टोन मान लो ट्वेंटी किलोमीटर वाला माइल स्टोन है फिर ट्वेंटी टू किलोमीटर वाला माइल स्टोन है देन ये से सिक्सटी किलोमीटर वाला माइल स्टोन है देन सेवेंटी किलोमीटर वाला माइल स्टोन यहाँ पर है देन आप अगर यहां पर देखते हो तो मान लीजिए ये 85 किलोमीटर वाला माइलस्टोन है और ये 90 किलोमीटर वाला है। आपको क्या करना है ओके okay, गेम क्या है आपको इसमें से ये सेवन में से कोई एक पॉइंट पर अपना बेस सेट करना है और ऐसा बेस सेट करना है ऐसा पॉइंट आपको चूज करना है जहां से आप और कोई भी पॉइंट पे जाकर के आप जाओगे तो आपको जो डिस्टेंस आएगा वो कम से कम आना चाहिए अभी मैं आपको समझाते वक्त सेवन में से एक पॉइंट कह रहा हूं बाद में मैं आपको फुल फ्रीडम दे दूंगा आप पूरे जीरो टू हंड्रेड किलोमीटर के पैच पे आप कहीं भी आप जहां चाहो वहां पर अपना बेस सेट कर सकते हो चलेगा तो अभी चलिए हम लोग देखते हैं मान लो आप ये पॉइंट वन पे अपना बेस सेट करते हो इफ यू सेट योर बेस एट पॉइंट वन तो आपका पॉइंट वन पे अगर बेस है तो डिस्टेंस आपका पॉइंट वन से पॉइंट वन कितना रहेगा मैं यहां पर लिखते जाता हूं वॉट इज योर ऑब्जेक्टिव आई होप योर अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव इज कि आपका जो टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस है आपको वो पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का जो डिस्टेंस है फिर वो पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे जाने का जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए टोटल डिस्टेंस शुड बी एज लेस एज पॉसिबल जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि सभी पॉइंट्स, सभी डेटा सेट सभी डेटा वैल्यूज एक ही जगह नहीं हैं। अलग अलग जगह स्प्रेड है ऑलराइट? राइट आप देख सकते हैं तो ये गेम है आपने मान लो पॉइंट वन पे अपना बेस सेट किया पॉइंट वन मतलब कि एट अब आप अगर एट किलोमीटर वाले स्टोन से एट किलोमीटर वाले स्टोन तक जाओगे तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा आपको जीरो किलोमीटर ट्रेवल करना होगा नथिंग राइट अगर आप एट किलोमीटर वाले स्टोन से अगर आप ट्वेंटी किलोमीटर वाले स्टोन तक के जाओगे तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा ट्वेल्व सो वी वॉन्ट टू मिनिमाइज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओके अभी आप यहां पर जाओगे वापस आने की चिंता मत करो आपको वापस ला करके यहाँ छोड़ दिया जाएगा आपका जो बेस आपने डिसाइड किया था आप 8 किलोमीटर वाले स्टोन से 22 किलोमीटर वाले स्टोन तक के जाओगे तो, 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 तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 22 टू माइनस एट फोर्टीन राइट एट किलोमीटर वाले स्टोन से आप 60 किलोमीटर तक के जाओगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 52 टू 8 किलोमीटर वाले स्टोन से 70 किलोमीटर तक जाओगे तो ये हो जाएगा 62 डिस्टेंस इन किलोमीटर 8 किलोमीटर वाले स्टोन से आप ऑल द वे 85 किलोमीटर वाले स्टोन तक जाओगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 77 व्हाट आई एम डूइंग आई एम टेकिंग द डेविएशंस ऑफ दिस दीस वैल्यूज फ्रॉम 8 ओके okay? ये अलग-अलग वैल्यूज हैं ओके 0 और 100 नहीं है वैल्यूज ये सिर्फ मैंने आपको आ आपके सुविधा के लिए मार्क करने के लिए यहाँ लिखा तो कितना आपको चलना होगा आपको चलना होगा एट्टी टू किलोमीटर अब लास्ट में आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना आप ट्रेवल कर लिए आपने यहां तक जाने के लिए ट्वेल्व किलोमीटर्स अब ये मत कहना कि हम यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर जो भी काम है वो करके फिर आगे चले जाएंगे ऐसा नहीं करना है हमको एक रूट पे नहीं निकलना है ऐसा हमको यहां तक जाना है ये एक डिस्टेंस हो गया फिर यहाँ तक जाना है फिर यहाँ तक जाना है ओके फिर यहां तक जाना है इस तरीके से आपको अलग अलग पॉइंट्स तक के आपको जाना है ओके अपने जीरो वाले अपने बेस पॉइंट से सो वॉट आई एम कैलकुलेटिंग इज जस्ट द डिस्टेंस जस्ट द डिविएशन बिटवीन द बेस पॉइंट एंड द गि पॉइंट एंड द अदर वैल्यू तो p1 से p2 का गैप p1 से p3 का गैप वो सो so, कितना आ गया टोटल सो so, टोटल आ गया 16 प्लस कैलकुलेटर uh, लगेगा कैलकुलेटर ले लेते हैं तो प्रॉपर काम होगा ऑलराइट सो right. so, टोटल हो गया uh, 16 प्लस 52 प्लस 62 प्लस 77 प्लस 82 सो so, टोटल हो गया 289

हमको इतना 12 किलोमीटर कम ट्रैवल करना पड़ता था Isn't it? इतना जो डिस्टेंस है ये आपको एक दो तीन चार पांच पांच बार कम ट्रेवल करना पड़ता था सो so, आप अगर पॉइंट टू को अपना बेस बनाते थे दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी किलोमीटर स्टोन को तो वहां से आपको सिर्फ ये एट किलोमीटर वाले के लिए इस तरफ आना पड़ता था वो तो आना ही पड़ेगा क्योंकि अब ये बेस है तो आपको ये वाला पॉइंट भी तो कवर करना है सो so, यहां से यहां डिस्टेंस कितना हुआ ट्वेल्व सी हम लोग यहां पर एट माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व नहीं बोलेंगे हमको सिर्फ डिस्टेंस चाहिए एपसिलूट टर्म्स में तो यहां से यहां तक डिविएशन या डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है तो ट्वेल्व किलोमीटर ट्रैवल करना है देन यहां से यहां से यही वाला पॉइंट कवर करने में तो आपको कुछ दिक्कत नहीं जाएगी जीरो किलोमीटर देन यहां से अगला पॉइंट टू किलोमीटर आप देख सकते हो क्या हो रहा है हर एक पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो बारह बारह कम हो जाएगा आगे के पॉइंट्स में पहले के पॉइंट में ट्वेल्व किलोमीटर बढ़ गया लेकिन आगे के पॉइंट्स में ट्वेल्व ट्वेल्व कम हो जाएगा अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा आपका जो ट्रेवलिंग है उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कम तो जरूर होगा लेटेस्ट सी तो टू uh, ट्वेंटी से सिक्सटी फोर्टी किलोमीटर्स पी टू से पी टू से पी फाइव यहां से यहां तक जाओगे तो कितना 50 किलोमीटर्स 20 से P6, P2 से P6 डिस्टेंस रहेगा आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 65 किलोमीटर्स ये हर जगह आप यदि फर्स्ट वाले इससे कंपेयर करो तो 12 किलोमीटर्स कम ट्रेवल करना पड़ रहा है और यहाँ पर 12 किलोमीटर्स ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ये ज्यादा और ये कम तो कंपनसेट हो गया लेकिन आपको पांच बार अल्टीमेटली ट्वेल्व किलोमीटर कम ट्रेवल करना पड़ा तो आपका ट्वेल्व इंटू फाइव सिक्सटी से ये वाला जो टोटल है ये कम आएगा आप करके देख लीजिए आपका ये टोटल 60 से कम आएगा ट्वेल्व इंटू फाइव सो 12 प्लस फिफ्टी प्लस सिक्सटी फाइव प्लस सेवेंटी सो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या क्योंकि मेरा टू थर्टी नाइन आ रहा है लेट मी डू अगेन ट्वेल्व प्लस टू प्लस फोर्टी प्लस फिफ्टी प्लस प्लस सेवेंटी टू थर्टी आ रहा है तो पहले का कुछ रॉन्ग था क्या लेट मी चेक वेट सो ये टू थर्टी सो टू एटी नाइन ये तो फिफ्टी होता है बट ट्वेल्व इन टू फाइव तो सिक्सटी होता है तो कुछ तो भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है उसको हम लोग सबसे पहले ठीक कर लेते हैं सो so, ये देखिए एट से यहाँ पर एट से यहाँ पर एट से सेवेंटी एट से एटी फाइव आई थिंक ये वाला जो टोटल है ऊपर वाला सो लेट मी चेक दैट टोटल चेकल ट्वेल्व प्लस था वो गलत आया था दैट वॉज एक्चुअली टू हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन किलोमीटर वो टोटलिंग एरर थी सो ध्यान रखना कैलकुलेटर में वैल्यूज डालते वक्त एंड चेक हो गया देखिए हमने लॉजिक से काम किया तो मिस्टेक भी पता चली ये डिफरेंस सिक्सटी किलोमीटर का क्यों आया ये क्यों आया क्योंकि ऐसा पांच पॉइंट थे, थे जहां पर हमारा किलोमीटर 12 -12 का डिस्टेंस एक जहां जहां एक्स्ट्रा लगा तो बेसिकली सेव्ड ट्वेल्व इंटू सिक्स एंड एक्स्ट्रा 12 इंटू वन सो जो नेट डिफरेंस आया वो 60 का आया हमने 60 किलोमीटर का ट्रैवलिंग सेव किया ये तो बड़ा अच्छा हो गया थोड़ा सा और आगे ट्रैवल करके देखते हैं जैसे हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमारा काफी सेविंग हुआ और आगे बढ़ के देखते हैं पॉइंट पॉइंट से से ट्रैवल करके देखते हैं से कितना आएगा पॉइंट से जो ट्वेंटी टू किलोमीटर स्टोन पे लोकेटेड है यदि हमने यहाँ पर अपना बेस रखा यहाँ से हमको ट्रैवल करना है अगर तो सोच के देख सकते हैं आप तो ये जो दो पॉइंट है यहाँ पर तो ट्रैवल करने के लिए दो दो किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ जाएगा लेकिन ये एक दो तीन चार पॉइंट्स हैं और इंक्लूडिंग ये वाला पॉइंट जहां पर आप पहुंच चुके हो तो आपको ये पांच पॉइंट्स में दो दो किलोमीटर का डिस्टेंस और कम हो जाए करके देख लीजिए आप करके विश्वास कीजिए तो पॉइंट थ्री से पॉइंट वन कितना डिस्टेंस लगेगा आपको पॉइंट थ्री से पॉइंट वन ट्रेवल करना है यदि आपको तो यू विल ट्रेवल फोर्टीन किलोमीटर्स पॉइंट थ्री से पॉइंट टू टू किलोमीटर्स

एंड ट्वेंटी टू से 90 कितना हो गया सिक्सटी एट किलोमीटर अब बिना टोटलिंग के भी हम टोटल देख सकते हैं क्या आएगा है बिना टोटलिंग के भी टोटल देखिए यहाँ पर दो जगह टू टू किलोमीटर बड़ा है एंड एक दो तीन चार पांच जगह टू किलोमीटर कम हुआ है तो मतलब दस किलोमीटर आपने टोटल बचाया है और चार किलोमीटर एक्स्ट्रा लगा है तो इसका टोटल आएगा इसका टोटल आएगा सिक्स किलोमीटर कम नेट में So 233 आना चाहिए टोटल। टोटल लेट राइट इट डाउन एंड एंड वी कैन चेक दिस आ रहा है लॉजिकल यदि हमारा बेस पॉइंट थ्री पे होता था तो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो टू थर्टी थ्री किलोमीटर होता था कम होते जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है एक काम करते हैं ऐसे यदि हम लोग बढ़ाते ही जा रहे हैं तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डिस्टेंस बाकी पॉइंट्स की तरफ कम होते जा रहे हैं एक काम करते हैं ना, आगे बढ़ते-बढ़ते सीधा चलो करके देखते हैं हम लोग क्यों अपने विश्वास करना टेस्ट कर लेने का सो पी सेवन दट इज नाइंटी किलोमीटर स्टोन पे यदि आप नाइन्टी किलोमीटर स्टोन पे पहुंच जाते हो तो यहां तो से अब आपको पूरे पॉइंट के लिए आपको पीछे आना होगा तो कितना हो जाता है 90 किलोमीटर स्टोन से 8 किलोमीटर स्टोन तक आने के लिए आपको लगता है 82 किलोमीटर किलोमीटर का traveling. 90 स्टोन से 20 किलोमीटर स्टोन तक आने को आपको लगता है 70 किलोमीटर का ट्रेवलिंग 22 किलोमीटर स्टोन तक आने के लिए आपको लगता है कितना 68 किलोमीटर का ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर स्टोन के लिए 30 किलोमीटर 70 किलोमीटर स्टोन के लिए 20 किलोमीटर

प्लस सेवेंटी प्लस सिक्सटी एट प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी प्लस फाइव प्लस ज़ीरो तो ये तो आ गया टू सेवेंटी फाइव ये जो टोटल डिस्टेंस आ गया ये आ गया टू सेवेंटी फाइव मतलब कि ये कम नहीं हुआ जैसा हम लोग ने उम्मीद किया था ये उतना कम नहीं हुआ तो इसका लॉजिक क्या है okay, I, think I will have to replace the lamp. कोई बात नहीं <coughs> कोई बात नहीं हम लोग इसी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं थोड़ा सा तो दिक्कत जाएगा इसमें क्लैरिटी में लेकिन कोई बात नहीं राइट सो आई होप आप समझ पा रहे हो मैं एक चेंज कर लेता हूं सेटिंग में उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं आप दूसरे भी पॉइंट्स के साथ ट्राई कर सकते हो 90 वाले पॉइंट के साथ तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं आया 90 वाले पॉइंट के साथ तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं आया ऑलराइट सो right, so मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं राइट सो राइट सो आई होप यू कैन सी मी नाउ यस तो अब यदि हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा बताइए पी सेवेंथ से हमने चेक किया तो अब यहां से आगे बढ़ रहे थे तो धीरे धीरे डिस्ट धीरे धीरे टोटल डिस्टेंस कम हो रहा था तो हम बहुत आगे बढ़ गए तो टोटल डिस्टेंस और बढ़ गया सो so, आइडियल क्या होगा आइडियली क्या करना चाहिए लॉजिक क्या है यहाँ पर लॉजिक ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हम लोग अगर ये पॉइंट तक पहुंचे तो इसके पहले वाले पॉइंट से दूर हो गए लेकिन इसके बाद के तीन चार पांच पॉइंट के नजदीक हो गए फिर हम लोग सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट पे गए तो हम लोग दो पॉइंट से दूर हो गए लेकिन कंपेरेटिवली लेकिन एक दो तीन सॉरी यहां से यहां पर गए तो हम लोग बेसिकली ये पॉइंट से तो दूर हो गए लेकिन ये एक दो तीन चार पाँच पॉइंट्स के नजदीक आ गए इंक्लूडिंग हम लोग टू से थ्री पे तो हम लोग को इम्पैक्ट क्या पड़ रहा का, और छ किलोमीटर तो क्योंकि हम लोग फर्दर आ, ये दो पॉइंट से तो हम लोग दूर हो गए लेकिन एक दो तीन चार पांच ये पांच पॉइंट्स के हम लोग नजदीक आ गए फिर अगर हम लोग ट्वेंटी टू से यहाँ पर जाएंगे पी थ्री से पी फोर पे जाएंगे तो क्या होगा आप ध्यान दीजिए तो हम लोग ये एक दो तीन तीन पॉइंट से दूर हो जाएंगे तीन पॉइंट से दूर हो जाएंगे लेकिन एक दो तीन चार चार पॉइंट के नजदीक आ जाएंगे सो so, कितना नजदीक आएंगे किलोमीटर का फर्क पड़ेगा सो इट इज वर्थ वाइल यदि हम लोग यहां से यहां पर जाते हैं तो ओके सो लेट लेटस गो टू दिस पॉइंट एंड चेक लेट लेटेस गो टू दैट पॉइंट एंड चेक पी फोर और डिस्टेंस कम होगा ओके okay? मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं Around 38 किलोमीटर से डिस्टेंस कम होगा इफ यू कैन सी सो पी फोर विच इज एट सिक्सटी किलोमीटर पॉइंट, टू दिस फर्दर डिस्टेंस और कम होगा किलोमीटर तो से पॉइंट वन का कितना गैप है फिफ्टी पॉइंट टू का कितना गैप है फोर्टी पॉइंट थ्री का कितना गैप है थर्टी पॉइंट फोर का कितना गैप है जीरो पॉइंट फाइव का टेन ट्वेंटी फाइव एंड पॉइंट सेवन का थर्टी मैं सिक्सटी से यहाँ से पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ अलग अलग पॉइंट्स का। I hope you can see an absolute जो absolute जो वैल्यू है, है, डिस्टेंस वो तो तो टेन प्लस ट्वेंटी ये देखिए टोटल आ गया वन नाइन एंड मैंने आपको यही कहा था कि टोटल जो है हमारा बराबर थर्टी एट से कम होगा

यहाँ से हम लोग फर्दर आगे जाएंगे तो क्या डिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा टोटल तो हम लोग कैलकुलेट करके तो देख ही लेंगे हम लोग किलोमीटर पे जो है कैलकुलेट करके तो देख ही लेंगे लेकिन आप कुछ सोच के देखें लॉजिकली यदि हम लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे तो हम लोग एक दो तीन तीन पॉइंट के नजदीक चले जाएंगे और एक दो तीन चार चार पॉइंट से दूर दूर हो जाएंगे कितना टेन किलोमीटर्स 3 के नजदीक और पॉइंट से दूर इसका मतलब क्या होगा हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो बढ़ेगा आप चेक कर लीजिए टोटल डिस्टेंस टेन किलोमीटर से बढ़ेगा 195 का बढ़ के 205 हो जाएगा यू कैन चेक एंड सी करके देखिए सो देखिए 70 माइनस एट कितना होता है 62 70 माइनस ट्वेंटी होता है 50 70 माइनस ट्वेंटी होता है 48 70 माइनस सिक्सटी होता है 10. ये सभी डिस्टेंसेज आप ऑब्जर्व कर सकते हो टेन टेन किलोमीटर से बढ़ गए लेकिन अब आगे के जो तीन डिस्टेंसेज है वो टेन टेन से कम हो जाएंगे सेवेंटी सेवन से, 70, 5 से 5 का डिस्टेंस कुछ नहीं फिर फर्दर एटी फाइव का डिस्टेंस सिर्फ पंद्रह रह गया 70 से नाइनटी का डिस्टेंस सिर्फ ट्वेंटी रह गया इसका टोटल टू जीरो फाइव आएगा कैसे आ रहा है टू जीरो फाइव ये आपको समझना है कैसे आ रहा है टू जीरो तो ध्यान से देखिए टू जीरो फाइव आया क्यों आया मैं आपको लॉजिक समझाता हूं क्योंकि आपने चार जगह टेन टेन किलोमीटर बढ़ाया दिया और तीन जगह टेन टेन किलोमीटर कम किया तो प्लस फोर्टी माइनस थर्टी में प्लस टेन हो गया इसका मतलब आप जब पॉइंट फोर से पहले थे तो भी डिस्टेंस ज्यादा था पॉइंट फोर के बाद गए तो भी डिस्टेंस बढ़ गया आप यहां पर आ गए तो भी डिस्टेंस बढ़ गया आप और आगे जाओगे तो क्या लगता है आपको टोटल डिस्टेंस कम होगा या बढ़ जाएगा एक P6 ही है जिसका हमने अभी तक कैलकुलेशन नहीं किया क्या लगता है आपको टोटल डिस्टेंस कम होगा या बढ़ जाएगा अभी मैं काम करता हूं P7 को सबसे नीचे रख देता हूं और सीक्वेंस में हम लोग सभी पॉइंट्स का कैलकुलेशन कर ही लिए हैं तो पॉइंट नंबर सिक्स से भी कर ही लेते हैं लेकिन आई होप बाय नाउ फिगर्ड आउट कि P6 से अगर हम लोग डिस्टेंसेज निकालेंगे तो टोटालिटी में 70 से यहाँ पर जाने का होगा कि ये दो पॉइंट से तो हम लोग नजदीक आ गए लेकिन एक दो तीन चार पाँच पांच पॉइंट से हम लोग दूर हो गए एंड डिफ्रेंस फिफ्टीन किलोमीटर तो माइनस फिफ्टीन इंटू फाइव हो जाएगा एंड प्लस फिफ्टीन इंटू टू हो जाएगा इधर उल्टा बोल रहा हूँ मैं पंद्रह किलोमीटर का डिस्टेंस पांच पॉइंट से बढ़ जाएगा एंड दो पॉइंट से पंद्रह किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो नेट इंपैक्ट आएगा 75 माइनस थर्टी फोर्टी किलोमीटर से डिस्टेंस यहां से यहां बढ़ जाएगा करके देख लीजिए 250 आएगा टोटल अब हम ऐसे ही बोल सकते हैं 85 किलोमीटर वाले स्टोन पे यदि हमने बेस बना लिया और वहां से हमको एक एक घर पे जाना है तो कितना डिस्टेंस आ रहा है 85 से 8 पे डिस्टेंस आ रहा है 77 ओके okay, बराबर है एटी फाइव किलोमीटर पॉइंट से अगर ट्वेंटी किलोमीटर पॉइंट तक जाना है तो सिक्सटी फाइव ट्वेंटी पॉइंट तक जाना है तो सिक्सटी थ्री आप देख सकते हैं देन किलोमीटर स्टोन से यदि हमको यदि हमको सिक्सटी किलोमीटर पॉइंट तक जाना है तो ट्वेंटी सेवेंटी किलोमीटर पॉइंट तक जाना है तो ये हर जगह पंद्रह 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 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ गया लेकिन जो एटी फाइव वाला पॉइंट है ना आखिरी पॉइंट है उसके बाद वाला उन दोनों के नजदीक पहुंच गए तो वहां पर डिस्टेंस 15 15 किलोमीटर से कम हो गया देयरफॉर ये जो ग्रैंड टोटल है ये आएगा 250 करके देख सकते हैं हम लोग 77 प्लस 65 प्लस 63 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 5 250 आ रहा है सो so, आइडियली देखा जाए तो इसमें से कौन सी पॉइंट पे हम लोग तो बेस बनाएंगे तो लीस्ट डिस्टेंस रहेगा इट कम्स टू बी पॉइंट नंबर 4 पॉइंट पॉइंट नंबर एक ऐसा मिल गया जहां पर बेस बनाएंगे तो, सबसे कम लगेगा, तो यहां पर और इवन अगर हमारे पास में डेटा है जिसको हम लोगों को जिसकी सेंट्रल वैल्यू पता करना है जिसकी से हमको कोई मतलब नहीं है हमको यह पता करना है कि वो डेटा में सेंट्रली लोकेटेड आइटम कौन सा है तो हम लोग बिल्कुल मीडियन कैलकुलेट करते हैं। यदि मान लो ये .4 की value, 60 की मान लो लो ये 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 की 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 वैल्यू जगह जगह होती होती थी या से वो आते थे। आप खुद करके देख सकते हो अब आपके मन में आ रहा होगा नहीं मीडियन से क्यों वाई यूजिंग अरिथमेटिक मीन ट्राई यूजिंग अरिथमेटिक मीन क्योंकि अरिथमेटिक मीन तो एवरेज होता है और एवरेज पॉइंट से पॉइंटेंस तो सबसे कम होना चाहिए सो लेट अस प्रूव यू रॉन्ग ओके आपकी इस धारणा को गलत प्रूफ कर देते हैं हम लोग मैंने ये पेज वापस से पेस्ट कर दिया मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन से हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं ओके वी विल ट्राई कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन तो इतना तो आपको क्लियर है यदि बेस मीडियन है या यदि बेस पॉइंट नंबर फोर है तो डिस्टेंस मिनिमम आता है ओके इसको तो मैं वहां पर पेस्ट कर ही लेता हूं अब इससे हम लोग तो कंपेयर करते हैं और बेसिस क्या जरूरी है क्या कि हमको बेस ये सात पॉइंट्स में से ही कहीं बनाना है बिल्कुल जरूरी नहीं है आप चाहो तो बीच में बना सकते हो आप कोई भी पॉइंट पे बना सकते हो 22 से 60 के बीच में कोई भी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पे, पे आप चाहो तो बेस बना सकते हो सो so, चलिए आप चाहते हो कि आपको ये पूरे वैल्यूज का अरिथमेटिक मेन निकालना है वहां पर बेस बनाया जाए अस कैलकुलेट अरिथमेटिक अरिथमेटिक सम ऑफ़ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कर लीजिए एट प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू प्लस सिक्सटी प्लस सेवनटी प्लस अरिथमेटिक मीन आया फिफ्टी पॉइंट सेवन वन अरिथमेटिक मीन आया यहाँ पर 50.71 ओके okay? इसको हम कहेंगे एक्स बार ओके okay? या ए एम बोल सकते हैं आई होप आप एक्स बार से कंफर्टेबल हो अब मान लो हम लोग ने बेस बनाया एक्स बार को बेस बनाया 50.71 को बेस बनाया आगे और भी डिजिट्स से हम दो डिजिट्स तक के रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फाइन अब ये बेस बनाने का कॉन्सिक्वेंस देख लीजिए ये बेस बना रहे हो आपको यहां से तो डिस्टेंस पता है हर पॉइंट का यदि आप यहाँ से अप्रोक्सीमेटली टेन किलोमीटर पीछे आओगे तो आप चार पॉइंट से दूर हो जाओगे और आप तीन पॉइंट के नजदीक आ जाओगे तो आप प्राइमर फेस ही देख सकते हो कि यहाँ से पीछे आने का एज सच बेनिफिट नहीं मिलने वाला है आप खुद प्राइमर फेस ही देख सकते हो राइट यहाँ से यहाँ पर आने का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग चार पॉइंट से दूर हो जाएंगे चलो फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम लोग फिफ्टी पॉइंट सेवन वन से ये पॉइंट्स का डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या होगा चलिए 50.71 माइनस 8 42.71 राइट right? तो 8 तक के 42.71 देन 20 50.71 माइनस 20 होता है 30.71 माइनस 22 होता है 28.71 50.71 तो कोई पॉइंट है ही नहीं जो आपको कवर करना है आपको तो बाकी के पॉइंट कवर करना है तो अभी वन से भी आपका डिस्टेंस बढ़ गया, 60 -50 .71 हो गया, 70 -50 .71 हो गया, गया हो 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 एंड 39.29 अब इसका टोटल जैसे हम लोग ने पहले ही गैस कर लिया था टोटल विल बी हायर देन 195 42.71 30.71 28.71 9.29 19.29 34.29 39.29 सो so, टोटल हो गया 204.29 एंड एज़ कुड बी गेस्ड ये इसलिए हुआ क्योंकि आप चार पॉइंट से नाइन पॉइंट टू नाइन किलोमीटर दूर आए थे और आप तीन पॉइंट के नाइन पॉइंट टू नाइन किलोमीटर नजदीक आए थे तो नेट नाइन पॉइंट टू नाइन किलोमीटर ही आप हैॉजिक से कोई भी और रैंडम पॉइंट चेक कर लीजिए आप सोचते हो कि सिक्सटी से कम किया तो आपने देखा उसका इंपेक्ट कैसे पड़ा आप सिक्सटी से बढ़ा करके देख लीजिए आपका बेस जो है मान लो आप यहां पर रख के देख लीजिए से ये एक रैंडम वैल्यू है से यहां पर पॉइंट है 62 सिर्फ हम किलोमीटर दूर जाके देखते हैं 60 के उस तरफ गए तो क्या इंपैक्ट होता है यदि आप लॉजिकली सोचना शुरू कर दिए हो समझ गया है आपको गेम तो आप खुद ही ऑब्जर्व कर पाओगे कि हमको तो ये सेवन पॉइंट कवर करना है यदि हम लोग पॉइंट फोर के दो पॉइंट दूर चले गए पॉइंट फोर से दो किलोमीटर दूर चले गए पॉइंट के पहले ही कहीं तो हम लोग चार पॉइंट से दो किलोमीटर दूर हो जाएंगे भले ही तीन पॉइंट्स के दो किलोमीटर नजदीक आएंगे सो अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपको नेट जो आपका डिफरेंस है वो दो किलोमीटर से तो बढ़ ही जाएगा ओके okay, एक तसली के लिए आप चेक करके देख लीजिए अगर आप बेस 62 वाले पॉइंट को बनाते हो ओके okay, आप एक डमी पॉइंट को बेस बनाते हो सी डी सिक्सटी तो क्या होगा डिस्टेंस 62 से 50, आ, 62 से 8 का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा पहले चार पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो दो दो किलोमीटर से बढ़ जाएगा इवन जो सिक्सटी सिचुएटेड थे तो वहां से डिस्टेंस जीरो था ना पहले लेकिन आप दो आगे चले गए तो दो किलोमीटर बढ़ गया। And point जो है, वहां से आपका किलोमीटर 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 बचा, दो कम हो गया राइट right? ये ट्वेंटी थ्री हो गया 85 तक के। एंड पॉइंट डी से पॉइंट पी सेवन डिस्टेंस जो है वो आपका हो गया, 28. तो तीन कम हुआ लेकिन चार जगह बढ़ गया तो इसका नेट इम्पैक्ट आप चेक कर लीजिए कैलकुलेटर पे 197 हो जाएगा 54 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 23 प्लस 8 197 हो गया मींस जो आपने पॉइंट आइडेंटिफाई किया पॉइंट फोर यहाँ पर वो मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट है उसके पीछे जा रहे हैं तो भी ओवरऑल डिस्टेंस बढ़ रहा है और उसके बाद में उसके आगे जा रहे हैं तो भी बढ़ रहा है यहाँ पर मैं इसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन सो मैंने ये गेम जानबूझ आपके लिए बनाया है ताकि आप मीडियन का इंपॉर्टेंस समझो मीडियन इज लोकेटेड आइटम इन सीरीज ऑफ वेरियस आइटम्स सेंट्रली लोकेटेड आइटम तो यहाँ पर सेवन आइटम्स हैं तो मीडियन इज द फोर्थ आइटम ओके फोर्थ और थर्ड के बीच में भी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है फोर्थ और फिफ्थ के बीच में भी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है क्योंकि यदि है तो वहां से डिस्टेंस जो है वो बढ़ ही जाएगा सो मीडियन इज द फोर्थ आइटम इफ देर आर सेवन आइटम्स ये एक बात को ध्यान रखना ओके okay, मैं यहाँ पर लिख देता हूं नंबर ऑफ आइटम्स इन द द सीरीज सीरीज सेवन नंबर ऑफ आइटम्स इन सेवन तो मीडियन कितने नंबर पे आ गया मीडियन इज द फोर्थ आइटम हम लोग उसको कहते हैं रैंक ऑफ मीडियन या पोजीशन ऑफ मीडियन कितना आ गया पोजीशन ऑफ मीडियन फोर्थ आइटम आ गया मीडियन इज द फोर्थ आइटम

सो so, उससे हम लोगों को मिल जाता है मीडियन मीडियन का अपना ये रिलेवेंस है अब लेट अस टेक वन मोर केस जहां पर जहां पर ऐसे ही पॉइंट्स हैं बट इस सात पॉइंट्स नहीं ऐसा ही पाथवे है ऐसा ही गेम है लेकिन सात पॉइंट्स नहीं है वहां पर और एक पॉइंट आ गया मान लीजिए वहां पर आठ पॉइंट्स आ गए ओके टोटल देर आर एट पॉइंट्स तो एक काम करता हूं मैं P1 P2 ऐसे ही रहने देता हूं इसको तो मिटा देते हैं हम लोग ये जो एवरेज सेवन पॉइंट्स का था ये तो कुछ काम में नहीं आया आप देख सकते हो राइट right. अब मान लीजिए एट पॉइंट्स गए तो एट पॉइंट हम लोग कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं कहीं भी चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं चलिए मैं यहां पर इंसर्ट कर देता हूं ओके okay? तो अब ये बन जाएगा पी फोर और आगे के पॉइंट्स का नॉमिन चेंज हो जाएगा P4, P5, P6, P7, P8। ये एट पॉइंट आ गया से दिस इज सिचुएटेड एट से 40 किलोमीटर स्टोन ओके 40 किलोमीटर पे सिचुएटेड है अब ये आठो पॉइंट्स यदि आपको कवर करना है सात पॉइंट्स कवर करना ज्यादा आसान था सात पॉइंट्स के कैलकुलेशन करना क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं कि एक बार आपने मिडिल पॉइंट पकड़ लिया आप धीरे धीरे पहुंच गए मिडिल पॉइंट तक तो उसके बाद आपने देखा इसके लेफ्ट में गए तो यहाँ से चार पॉइंट से दूर हो जाते हैं और सिर्फ तीन के नजदीक आते, तो आते हैं लेकिन यही so, तो बहुत आसान हो गया ऐसे ही आप सेवन की जगह मान लीजिए फाइव आइटम्स का गेम खेलोगे अगर सिर्फ फाइव रहे पॉइंट्स तो आप ऑब्जर्व करोगे इन वेरिएबली कि मीडियम विल बी रैंक एट द

कॉमन थिंग इफ यू कैन ऑब्जर्व इज ये सब ऑड नंबर में सेंट्रली लोकेटेड नंबर ढूंढना बहुत ही आसान है ओके okay? आप एक्सट्रीम एंड से एक एक नंबर को कट करते जाओ आप जैसे सेवन थे आप एक्सट्रीम वाले एक एक नंबर को कट करते जाओ कट करते जाओ तो आप यू विल बी लेफ्ट विद जस्ट वन नंबर इन द मिडल वन वैल्यू इन द मिडल एंड दैट विल बी द मीडियम वैल्यू सो ऑड नंबर के केस में कैलकुलेटिंग इज सेवन के साथ मैंने आपको एग्जाम्पल बताया आप इसको इलेवन आइटम्स आइटम्स वहां से यदि आप पहले शिफ्ट होते हो सो so आप चार आइटम से दूर हो जाओगे यू विल फार्दर फ्रॉम मोर नंबर ऑफ आइटम्स देन यू विल बी क्लोजर टू बिकॉज ये आइटम से भी तो दूर हो रहे हो यदि आप राइट में शिफ्ट हो रहे हो तो अगेन सेम यू विल बी फार्दर फ्रॉम मोर नंबर ऑफ आइटम्स देन यू विल गेट क्लोजर टू तो ऐसे केस में इट इज बेटर यू स्टिक टू द सेंट्रल लोकेशन सो इफ देर आर एन नंबर ऑफ आइटम्स एंड पर्टिकुलरली इफ एन इज ऑड नंबर इफ एन इज ऑड नंबर रैंक ऑफ मीडियन

then it is easy to calculate the rank of median. it is n plus 1 by 2. or you can say, in other words, median is the value of n plus 1 by 2th item. you can say, in other words, median in case of odd numbers is the value of n plus 1 by 2th item. okay, provided that n is an odd number. if number of items are odd,

तो ये एक फॉर्मूला आप समझ लीजिए इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज दिस इज मीडियन इंडिविजुअल सीरीज पर आपको अलग-अलग वो आइटम्स दिए हुए ऑल राइट ना सपोज देर आर एट आइटम्स यदि टोटल आठ आइटम्स हैं तो क्या करेंगे तो क्या उस केस में आप सेंट्रल आइटम ढूंढ पाएंगे अगेन आप इतना तो समझ चुके हैं यदि आप आपका जो बेस है वो पॉइंट नंबर वन पे रखोगे तो आप ये हर एक आइटम से काफी दूर रहोगे ओके okay? अलग अलग पोजिशन से आपको इतना इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा सो so, आप अगर करके देख भी लो पॉइंट वन से कैलकुलेशन तो यू विल फाइंड दैट देर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस टू कवर देर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस टू कवर यहां से यहां पर तो जीरो है उसके बाद ट्वेल्व देन फोर्टीन ऐस पहले भी था देन फोर्टी माइनस एट ये नया पॉइंट आ गया

हम लोग बेस को हम लोग सेकेंड पॉइंट लेंगे तो लॉजिक क्या होगा हम लोग एक पॉइंट से, तो, से तो दूर हो जाएंगे लेकिन एक दो तीन चार पांच सात सेवन पॉइंट से नजदीक हो जाएंगे सो so, सेकेंड पॉइंट से अगर डिस्टेंस देखोगे आप एप्सिलो डिविएशन ये पॉइंट से हर एक पॉइंट का तो आपका इफेक्टिवली ये एक तो कैंसल हो जाएगा आपस में सिक्स इंटू ट्वेल्व ये जो डिस्टेंस है इतना 6 12 इतना डिस्टेंस आपका बच जाएगा ओके सो एक्चुअली टोटल इन दैट केस विल बी लेस बाय 72 आप खुद करके देख सकते हैं मैं जो लॉजिक आपको समझा रहा हूँ, ओके okay? आपका 12 से डिस्टेंस कम हो जाएगा हर जगह से तो डिस्टेंस टोटल आपका रिड्यूस हो जाएगा 72 से आप खुद देख लीजिए 20 85 और 20 का डिफरेंस 90 और 20 का डिफरेंस 70 तो टोटल कर लीजिए इट शुड बी थ्री थर्टी वन माइनस सेवेंटी टू टू फिफ्टी नाइन सो कैलकुलेशन कर लो ट्वेल्व प्लस टू प्लस ट्वेंटी प्लस ने सोचा था। so, आपका टोटल डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर टू फिफ्टी नाइन हो जाता है अब मैं एक एक पॉइंट का नहीं करके बताऊंगा यदि आप यहां से आगे बढ़ते हो तो फिर ऑब्वियसली आप ये दो पॉइंट से तो दूर हो जाते हो लेकिन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह पॉइंट से नजदीक हो जाते तो आपका ये दो और दो तो हो देखिए ना आप अगर कट करते जाओगे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे रहना तो आपके लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा हो रहा है देखिए ये एक्सट्रीम वैल्यू कट किया फिर सेकंड वैल्यू कट किया हमको सेंट्रल वैल्यू पे आना है ना तो अब सेंटर में दो वैल्यू बच जाती है एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सेंटर में दो वैल्यू बच जाती हैं 40 एंड 60 तो वो दोनों वैल्यू से हम लोग लेकर के देखते हैं डिस्टेंस तो p4 विच इज 40 40 के पॉइंट से कितना डिस्टेंस आएगा तो आप यदि कंपेयर करो 20 और 40 को तो आप टोटल यहां पर इफेक्टिवली डिस्टेंस तो कम होगा आपका इफेक्टिवली क्यों क्योंकि आप भले ही सिर्फ भले ही आप दो पॉइंट से दूर हो रहे हो लेकिन आप यस एक दो तीन चार पांच छ छ पॉइंट से नजदीक भी तो हो रहे हो अगर आप 20 से 40 वाला डिस्टेंस लोगे तो सो करके देखते हैं नहीं 22 से आप कंपेरेटिवली दूर ही हो रहे हो बट ठीक है 40 से अगर आप मेजर करो तो 40 से पॉइंट वन का डिफरेंस कितना हुआ थर्टी पॉइंट टू का डिफरेंस हुआ ट्वेंटी पॉइंट थ्री का डिफरेंस हुआ एटीन 40 से 0.4 का डिफरेंस कुछ भी नहीं हुआ, 40 से 0.5 का डिस्टेंस हुआ 20, 0.6 का डिस्टेंस हुआ 30, 0.7 का डिस्टेंस हुआ 45, एंड 0.8 का डिस्टेंस हुआ 15. सो डेफिनेटली आपका जो टोटल है वो तो 259 से कम होना चाहिए. तो आप करके देख लो, 32 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 15. So, 215 आया। तो आया आपका टोटल जो डिस्टेंस है वो थर्टी फोर से कम हुआ थर्टी फोर कंपेयर टू दिस थर्टी फोर से कैसे कम हुआ ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि आप टोटल आ, डिस्टेंस जो है वो आपका एक दो तीन चार पाँच पाँच पॉइंट्स में आपका डिस्टेंस कम हुआ इसका मतलब हंड्रेड से कम हुआ लेकिन एक दो, दो पॉइंट्स में आपका डिस्टेंस बढ़ा ट्वेंटी से बढ़ा इसका मतलब सिक्सटी और एटीन कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन चेक करना होगा अगर आप ये पी थ्री भी बीच में डाल दोगे तो काम बन जाएगा ओके okay. सो so, एक बार ये चेक कर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी से ट्वेंटी टू एटीन जीरो ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फाइव 50 फोर्टी से नाइनटी फिफ्टी ओके डिस्टेंस देखो आप यहाँ पर 20 से डिस्टेंस जो है ये दो पॉइंट से बड़ा और ये दो पॉइंट में 20 से डिस्टेंस जो है वो कम हो गया तो ये तो नॉक ऑफ हो गया आपस में इसका इफेक्ट बट या या ऐसा देख लो ये दो तो नॉक ऑफ हो गए अब ये तीन पॉइंट में आपका डिस्टेंस इफेक्टिवली ये तीन पॉइंट में ट्वेंटी ट्वेंटी से आपका डिस्टेंस जो है वो आ, क्या हुआ है कम हुआ है सिक्सटी से ट्वेंटी 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 और ये एक पॉइंट में आपका डिस्टेंस जो है वो 16 से बड़ा है क्योंकि 22 वाज मच क्लोजर टू 20 एज़ कंपेयर टू 40 यस yes, तो इफेक्टिवली 34 नहीं 44 का जो डिफरेंस है 215 एंड 259 का तो वो 60 प्लस 60 माइनस 16 इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है बट वी सॉ दैट पी P4 वाज नॉट द ओनली सेंट्रल पॉइंट देयर वाज वन मोर सेंट्रल पॉइंट दैट वाज P5 दो सेंट्रल पॉइंट थे यहां पर तो P5 से यदि हम डिस्टेंस देखते हैं तो लॉजिकली देखिए क्या होगा यहां से यहां जाएंगे तो तो आप इफेक्टिवली तीन जो पॉइंट्स वेदर चार, पॉइंट चार से आपका डिस्टेंस कम होगा और चार पॉइंट से आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो P60 से देखोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा द टोटल शुड बी टू वन फाइव ओनली चेक कर लीजिए सिक्सटी वाले पी फाइव से बाकी पॉइंट का कैप सिक्सटी माइनस एट होता है फिफ्टी टू ये होता है फोर्टी सिक्सटी माइनस ट्वेंटी सिक्सटी माइनस ट्वेंटी टू होता है थर्टी एट ट्वेंटी जीरो टेन आप देख सकते हैं यहाँ के डिस्टेंसेस कम हो गए सिक्सटी से एटी फाइव ट्वेंटी फाइव सिक्सटी से नाइन्टी थर्टी इसका टोटल आप कर लो टू वन फाइव ही आएगा फिफ्टी टू प्लस फोर्टी प्लस थर्टी एट प्लस ट्वेंटी प्लस टेन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी इसका टोटल टू वन फाइव ही आया और यदि मैं 60 से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो सेंस नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्योंकि 60 और 40 सेंट्रल वैल्यूज थी 60 के आगे बढ़ता हूं तो मैं सिर्फ तीन पॉइंट्स के नजदीक आऊंगा लेकिन मैं एक दो तीन चार पांच पॉइंट के मैं दूर हो जाऊंगा राइट right? और यदि मैं फोर्टी से पीछे आता हूँ क्योंकि 40 से भी 2, 1, का ही डिस्टेंस आ रहा है यदि मैं फोर्टी से पीछे आता हूँ तो मैं सिर्फ तीन पॉइंट्स के नजदीक आऊंगा लेकिन मैं पांच पॉइंट से दूर हो जाऊंगा तो इसका मतलब मीडियन या तो 40 है या तो 60 है राइट रॉन्ग मीडियन 40 और 60 के बीच में कहीं आएगा क्यों बीच में आएगा क्योंकि यदि हम 40 पे हैं तो हम लोगों को इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है 60 तक के राइट right? यदि हम लोग 60 पे हैं तो हम लोगों को इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है 40 तक के लेट अस मिनिमाइज दैट डिस्टेंस आल्सो लेट अस मिनिमाइज दैट डिस्टेंस तो P4 और P5 फाइव इफेक्टिवली दोनों मीडियम वैल्यूज हैं क्योंकि दोनों से जो आपका डिस्टेंस है वो मिनिमम आ रहा है बट लेट इस चेक हम लोग P5 से थोड़ा अंदर आते हैं तो हम लोग हम लोग क्या करेंगे एक दो तीन चार वैल्यूज के नजदीक आ जाएंगे और एक दो तीन चार वैल्यूज से दूर हो जाएंगे राइट right? तो देखते हैं हम लोग P5 से मान लो पांच किलोमीटर अंदर आते हैं सो so, इफेक्ट क्या होगा देख लीजिए आप सो so, मान लो हम लोग यहां पर 55 हम लोग ने एक डमी वैल्यू पकड़ा 55 पॉइंट नंबर डी 55 से हम लोग चेक करते हैं ओकि 40 की तरफ थोड़ा सा हम शिफ्ट होते हैं सो so, क्या हुआ देखिए 55 से तो 55 और 8 का डिफरेंस कितना हुआ पाँच से फोर्टी सेवन हो गया ये 35 हो गया 55 फाइव माइनस ट्वेंटी फिफ्टी फाइव माइनस ट्वेंटी कितना हो गया 33 हो गया 55 फाइव माइनस फोर्टी 15 हो गया अब 55 और 60 का डिस्टेंस जो है वो 5 हो गया ये पांच पांच से बढ़ जाएगा राइट right? अब आप देखो कि चार जगह पांच पांच से डिस्टेंस जो है वो कम हुआ है और पांच जगह चार जगह पांच पांच से डिस्टेंस बढ़ा है तो कोई भी पॉइंट ले लो इसका टोटल 215 ही आएगा आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में कोई भी पॉइंट ले लो वो डिस्टेंस टू -वन -फाइव ही आएगा राइट आप यदि फिफ्टी फोर्टी से पांच पॉइंट इधर आते थे सिर्फ फोर्टी फाइव से कैलकुलेट करते थे तो भी बात वही थी क्योंकि आप ये चार पॉइंट से थोड़ा थोड़ा दूर हो रहे हो लेकिन आप ये चार पॉइंट के नजदीक आ रहे हो सो so, फोर्टी से सिक्सटी के बीच में इंक्लूडिंग फोर्टी एंड सिक्स इफ यू सेट योर बेस एट एनी पॉइंट आप कोई भी पॉइंट पे अपना बेस सेट करते हो तो आपको मीडियन मिल जाता है मतलब वो पॉइंट से आपका टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाता है बेसिकली मीडियन क्या होता है द पॉइंट मीडियन क्या होता है मीडियन इज द पॉइंट फ्रॉम विच एब्सोल्यूट डिविएशंस ऑफ द वैल्यूज द पॉइंट फ्रॉम विच एब्सोल्यूट डिविएशन ऑफ द वैल्यूज इज मिनिमम ओके एब्सोल्यूट डिवीेशंस बोलने से अच्छा रहेगा सम ऑफ एब्सोल्यूट डिवीेशंस तो इसका मतलब समेशन ऑफ एक्स माइनस मीडियन एब्सोल्यूट वैल्यू शुड बी इक्वल टू मिनिमम तो उसको हम लोग मीडियन कहेंगे तो इसका मतलब तो इस डेटा में 40 भी मीडियन है 60 भी मीडियन है बट नहीं मीडियन शुड बी यूनिकली डिफाइंड तो हम लोग एक काम करेंगे 40 की वैल्यू

In case of an even number of observations, in case of an even number of observations, median is equal to value of आप ध्यान से देखें आठ observations थे तो median क्या था? Median was fourth observation and fifth observation का simple average तो rank of median था 4.5 आप सेम चेक करके देखना दस observations के साथ में तो दोनों जगह से चार चार observations तो कट जाएंगे बट फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बच जाएगा राइट right? तो फिफ्थ प्लस सिक्स अपॉन टू फाइव पॉइंट फाइव रहेगा रैंक ऑफ मीडियन नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि मीडियन मीन्स वैल्यू ऑफ और दिन बाई टू आइटम दैट इज फोर्थ आइटम एंड एन बाय टू प्लस देखो एट मतलब बायोग होता है एट बाय टू प्लस वन फोर प्लस होता है

यदि आप प्रॉपर फॉर्मूला उसका लगाना चाहो तो मीडियन इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ मीडियन इज द सिंपल एवरेज ओके सिंपल एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ एन बाय टू एथ आइटम एंड एन बाय टू प्लस वन एथ आइटम इसका सिंपल एवरेज इफ एन इज इवन तो फोर्थ आइटम एंड फिफ्थ आइटम का आप एवरेज ले, ले लेते हो, so इस केस में हमारा median आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आइटम डिवाइडेड बाई टूट हो फोर्टी प्लस ऐसा सो so, 40 और 60 दो इस पूरे रेंज में से कोई भी पॉइंट लोगे, तो डिस्टेंस तो मिनिमम आएगा

मीडियन so, को समझना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल था क्योंकि यहां पर हम लोग एप्सिलो डिशन ले रहे थे क्यों अरिथमेटिक मीन से जो हम लोग ने डिशन लिया तो वो ज्यादा आया अरिथमेटिक मीन के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं लेकिन इफ यू हम लोग ने ये नहीं पढ़ा है सम ऑफ एप्सिलो डिशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर फ्रॉम द मीडियन ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना So, आज के लिए इतना ही सेशन हम लोग ने आज मीडियम के फॉर्मूले के साथ में फन किया एंड अल्टीमेटली मीडियम की, की वैल्यू कैसे निकालना so, की वैल्यू आइटम आइटम दोनों को एड कर दो और उसका सिंपल एवरेज ले लो राइट सो थैंक यू फ्रेंड्स वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन आई रिक्वेस्ट यू टू टेक दब्सक्रिप्शन विद दिस कोड और यदि ये कोड नहीं चलता है तो आप ये वाला कोड ट्राई कर सकते हो मेरे नाम का कोड बना हुआ है एस पी पी ए वन वन तो आपको इसमें स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए आपके जो भी डाउट्स हैं मीडियन के फॉर्मूले से संबंधित वो आप लिखिए एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट द डिफरेंट यूजेज ऑफ मीडियन एप्सोल्यू डिशन कहाँ पर काम में आती है चलिए सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय